रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही कीमती किस्म की वीडियो है, जिसमें आपको सब शेल के बारे में बताया जाएगा। सब शेल होते क्या है, फिर सब शेल को जहर कैसे करते हैं, इनकी इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह है, इसको किस तरह जहर करते हैं, फिर इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉनों की तरतीब कैसे जो है लगाते हैं, इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो सब कुछ आप देखना। सबसे पहले हम सब शेल को डिफाइन करते हैं, यानी कि सब शेल की तारीफ करते हैं। जो सब शेल होते हैं न्यूक्लियस के, वो गोल या दायरी रास्ते जहां पर इलेक्ट्रॉनों के ज्यादा पाए जाने का इम्कान होता है, यानी कि ऐसे गोल या दायरी रास्ते जहां पर इलेक्ट्रॉनों के ज्यादा पाए जाने का इम्कान होता है। द इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फाउंड, दैट इज कॉल्ड एज सब शेल। सब शेल को हम कैसे याद करते हैं, अंग्रेजी के चार हरूफ होते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, छोटे हरूफ याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पहला है जी एस पी डी और एफ, ये छोटे हरूफ है अंग्रेजी के, जिन्हें हम एस के अंदर हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में कितना आ सकते हैं, D में कितना आ सकते हैं, F में कितना आ सकते हैं। तो जो S है, इस पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन, इस पर कितना सकते हैं 10, और इस पर 14, 1, 2, 3, 4, चार सब शेल है। अब हमें ये तो पता है कि S पर 2 आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, और F पर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन हमें कैसे पता होता है कि हमें तुक्का तो नहीं लगाया हुआ, एक फार्मूला है, एज इनिशियल क्वांटम नंबर का फार्मूला है, जहां हम स्टार्ट करते हैं 2L + 1, ये फार्मूला है एज इनिशियल क्वांटम नंबर। जो L की वैल्यू है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि L इज इक्वल टू 0। जब L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो उस वक्त हमने क्या करना है कि सबसे पहला शेल जो है एस है उसे लेना है, ये हमारे पास है। तो जब एस एक के बराबर होता है, पहला शेल है, तो हम 2×2 × L की मत एक है, सॉरी 0 है, यहां से स्टार्ट करेंगे पहले से +1। अब 2×2 + 1 वही एक आएगा, 2×A1 = 2। इसका मतलब है एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमें साबित कर दिया हमने कि वाकई जो है सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह पी वाला भी आप कर सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2×2 इसी फॉर्मूले पर लेंगे, 2×3 एल की मतलब 3 है +1, तो ही दूसरा जो है 2 है। यहाँ पे हमारे पास 0 स्टार्ट हुआ, तो पहले को दूसरे को हम एक शो करेंगे, यहाँ पे एक शो करेंगे। अब 2×2 + 1, अब 2×2 = 3 = 6, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो थी आसान सी एक जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जिसके अंदर हम देखते हैं किस तरह सब शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सब शेल को हम तरतीब कैसे देते हैं, हमें कैसे पता है कि 1s है, 2s है, 2p है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको आम से फॉर्मूला बताएं तो सबसे पहले s आता है स्कूल, स्कूल पहले आप एस जो है इस लेटर को 2 मरतबा लिखेंगे, स्कूल, ये देखें स्कूल स्कूल। फिर दूसरा नंबर कौन सा है, पी। आप इसे बैक में आएंगे लेंगे 2 मरतबा लिखेंगे PS PS, यानी पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब यहां स्टार्ट करेंगे पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब तीसरा नंबर क्या चीज है, DL। अब डी से क्या करेंगे, इसे इसी तरह बैक लिखेंगे 2 मरतबा, डॉन पब्लिक स्कूल, डॉन पब्लिक स्कूल। डी पी एस, डी पी एस, डॉन पब्लिक स्कूल, डॉन पब्लिक स्कूल। फिर एफ आ गया, एफ को इसी तरह वापस बैक लिखेंगे 2 मरतबा लेंगे, फैजाबाद डॉन पब्लिक स्कूल, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, यहां पे एस लिखना था, यहां पे आप एस लिखेंगे डी पी एस।
अब करना क्या है, इनको तरतीब देनी है। पहला नंबर पे कौन सा होता है? एस। एस यहां पे स्टार्ट होता है, हम एक से शुरू करेंगे। यहां पे वन दो, वन टू, फिर यहां पे थ्री स्टार्ट करेंगे, फिर यहां पे फोर, और यहां पे फाइव, यहां पे सिक्स, यहां पे सेवन, यहां पे और यहां पे एट। दूसरा नंबर कौन सा है? पी। पी का यानी कि स्टार्ट कहां से करेंगे हम? दो से, दो तीन चार पांच छह और सात। इसी तरह हमारे पास तीसरा नंबर है डी। डी का स्टार्ट हम तीन से करेंगे, तीन चार उसके बाद पांच उसके बाद छह। अब आप हमारे पास क्या है एफ लास्ट में कहां से होता है? चार नंबर से, चार स्टार्ट करेंगे, फोर एस फोर एफ फाइव। ये है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन तरतीब। अब फर्स्ट नंबर हम लेते हैं, ये हमारे पास है जी कैल्शियम सी एट ट्वेंटी। टारगेट नंबर कितना था इसका? 20। पहले नंबर 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 गिनती कर लें, चार और छह दस, लास्ट आठ। फिर कितने बाकी रह गए हैं हमारे पास? दो रहते हैं, 4s2। इसी तरह आप जिंक का ले सकते हैं, Zn का एटॉमिक नंबर Zn 30। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। ये हो गए 30। अब हमारे पास 20 हो गए, 30 है, तो आखिर में क्या रहता है? D हमारे पास है 3d10। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान किस्म का मेथड है, इसमें से कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए, तो प्रॉब्लम फिर भी हो तो आप कमेंट्स जो है दे दिया करें, राय आपने दे दिया करें, इंशाल्लाह उसी के मुताबिक चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट